हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा होगा उसे लागू करने वाले बुरे लोग होंगे तो वो बुरा साबित होगा। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस से लेकर जुडिशरी में इस्लामोफोबिक लोगों की एक बहुत बड़ी जमात है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे। एक दिन हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार हांगकांग की सड़कों पर लोग उतरे उस प्रकार हिंदुस्तान के भी सड़कों पर लोग उतरेंगे, पर मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि वो दंगा सबको अच्छा लगता है जब तक उस दंगे में किसी का बाप न मर जाए, तब तक दंगे को सभी लोग पसंद करते हैं। दोनों तरफ के लोग ये कहते हैं कि दंगा हो जाए तो इस बार फैसला हो जाएगा। आरएसएस इसी बात की ट्रेनिंग देता है बचपन से कि मुसलमान जो है वो देश का दुश्मन है, ईसाई जो है वो इस देश का दुश्मन है। हमें अगर आज़ादी के वक्त भी आरएसएस जब लोग हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे वो लोग तभी कह रहे थे कि इस देश का दुश्मन ब्रिटिश नहीं है, मुसलमान है, ईसाई है। तो इसे समझा जा सकता है कि शाखा में 5 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात भरी जाती है कि मुसलमान उसका दुश्मन है। इस मुल्क में रह रहे लोग, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूँ, उन सबका अधिकार एक है, वो सब एक लोग हैं। हमें किसी से राजनीतिक द्वेष हो सकता है पर किसी से हम रिलीजन के आधार पर द्वेष पालने ये बहुत ही खतरनाक है। और ये देश लोकतंत्र से अब मनुवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है जो मुझे लगता है कि इस देश को खा जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड भवन के बाहर, जहाँ आप देख सकते हैं कि तब्रेज अंसारी को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है। हमारे साथ में है प्रशांत कन्नौजिया। प्रशांत जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत जो है उसको हार्ट अटैक की मौत से जो है घोषित किया है, फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए? देखिए, ये बहुत साफ है कि ये जो पूरा ट्रेंड है, ये जो तब्रेज के मामले में जो फैसला आया है कि उसकी मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है, ये एक सरकार ने एक संदेश देने का काम किया है कि इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। आप लोग इसका विरोध मत करिए, क्योंकि हम इस तरह की हत्याओं का, मैं इसको सांस्थानिक हत्या कहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से इसकी हत्या की गई है, उसके बाद इस तरीके का जो रिपोर्ट आना ये अपने आप में हास्यास्पद है और एक डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक मजलूम को इस तरह भीड़ जुट के मार देती है और उसके बाद इस तरीके का जो रिपोर्ट आता है वो दरअसल एक तमाचा है लोकतंत्र के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर और पूरी झारखंड सरकार के ऊपर कि रघुवर दास अपने राज्य के अंदर जो माइनॉरिटी है उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। और डेमोक्रेसी का सार यही है कि आपके यहाँ जो कमजोर लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आपने डेमोक्रेसी का अपमान किया है और आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद को त्याग देना चाहिए। लेकिन इस तरीके की चीजें हुई ही नहीं है और बल्कि संदेश दिया है कि इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी नहीं और होंगी, तो ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन जिस तरह से तब्रेज अंसारी की जो वीडियो थी पूरे देश में वायरल हुई और उसमें साफ सुना जा सकता था कि नारे लग रहे थे कि आप कहो कि जय हनुमान जी की जय बोलिए, राम जी की जय बोलिए, और फिर उसके बाद में कह रहा था कि इसको जितना मारिए जब तक ये मर ना जाए, उसके बावजूद जो है उस पर 302 नहीं लगाई गई, 304 लगाई गई। देखिए, हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा होगा उसे लागू करने वाले बुरे लोग होंगे तो वो बुरा साबित होगा, तो वो बुरा साबित हो रहा है कि जिसको लागू करने वाले बुरे लोग हैं। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस से लेकर जुडिशरी में इस्लामोफोबिक लोगों की एक बहुत बड़ी जमात है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे। आप जेलों में जाइए, आप पुलिस का व्यवहार को, जब वो मुस्लिम को किसी को पकड़ते हैं या किसी हिंदू को पकड़ते हैं तो उन दोनों के प्रति उनका व्यवहार एकदम अलग होता है, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन आप क्या करेंगे कि केंद्र में जो है फुल मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार है, वहां पर रघुवर दास की फुल मेजोरिटी से सरकार है, विपक्ष बिल्कुल चित है, तो ऐसे में आपको लगता है कि इस मुद्दे को आप आगे तक बढ़ा पाएंगे? बेशक, हम ये सिर्फ भारत की बात नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुई है वो इसी तरीके से लोग जब सड़कों पर उतरे हैं, हम ये मान सकते हैं कि आज यहाँ इतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए थे, लेकिन किसी को तो कोशिश करनी होगी ना। एक दिन हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार हांगकांग की सड़कों पर लोग उतरे उस प्रकार हिंदुस्तान के भी सड़कों पर लोग उतरेंगे और जो हो रहा है अन्याय उसके खिलाफ बोलेंगे। विपक्ष हिंदुस्तान में हमेशा छित रहा है, आप इतिहास उठा के देख लिए भारतीय राजनीति का, इस देश के जितनी भी क्रांतियां हुई हैं या जितने भी लोग ने प्रेशर ग्रुप बनाया है वो विपक्ष से कभी नहीं थे। इस देश में इतना कुछ हो रहा है लेकिन विपक्ष के लोग ट्विटर से नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो लोग सड़क पे उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ, हाँ ये दुख की बात है कि बहुत बड़े समाज के तबके को यहाँ आना चाहिए था और तब्रेज को न्याय दिलाने के लिए मांग करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त टेलीविजन के एक जो इल्यूजन टेलीविजन ने उनके इर्द गिर्द क्रिएट किया है उसमें वो खोए हुए हैं। पर मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि वो दंगा सबको अच्छा लगता है जब तक उस दंगे में किसी का बाप न मर जाए, तब तक दंगे को सभी लोग पसंद करते हैं। दोनों तरफ के लोग ये कहते हैं कि दंगा हो जाए तो इस बार फैसला हो जाएगा, तो ये रुकेगा जब तक लोगों के बच्चे या किसी का बाप या किसी के रिश्तेदार इन दंगों में, इन मॉब लिंचिंग में मरेंगे, तभी
नए लोगों को समझ में आएगा और विपक्ष कभी भी हिंदुस्तान में कोई भी अहम भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन प्रशांत, एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से पहलू खान का केस हो या तबरेज अंसारी का केस हो, बहुत हाईलाइटेड केस रहा, तमाम आप जैसे जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने भी उसको खूब समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद चाहे पहलू खान का केस हो वहाँ पर भी जो है आरोपी बरी कर दिए गए, यहाँ पर भी जो है 300 उसको हार्ट अटैक दिखा करके खारिज करने की कोशिश हुई, तो एक आम नागरिक या दूर दराज के इलाकों में जो खबर सामने आ भी नहीं पाती है वो कैसे उम्मीद करे कि मेरे को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय बहुत कीमती है हिंदुस्तान के अंदर। न्याय आप पा जाएं ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, हर कोई न्याय नहीं पा पाता हिंदुस्तान के अंदर, और इस देश का न्याय बहुत महंगा है। आप कोर्ट में जाइए, आप एक गरीब परिवार के लोगों से पूछिए, कोर्ट कचहरी से वो इस प्रकार डरता है जैसे भूत से डरता हो। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत दुख की बात है, एक लोकतांत्रिक देश में लोग ये उम्मीद कर चुके हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात, मैं सिर्फ दिल्ली जैसे शहर की नहीं, गाँव में तो लोग ये पूरी तरह मान चुके हैं कि कोर्ट कचहरी में न्याय सिर्फ पैसों वालों के लिए मिलता है। तो इस तरीके की भावना देश के नागरिकों के मन में उत्पन्न होना ही एक गाली है भारत के लिए भी। हम हमेशा कहते हैं हमें गर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें शर्म करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके की घटनाएं जो हुई हैं वो बेशक भारत के ऊपर एक बदनुमा दाग है जिसको धोने के लिए हमें हजारों साल संघर्ष करना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार ये सरकार काम कर रही है दाग कभी धुल पाएगा, बल्कि ये दाग और ज़्यादा हमारे दामन पर लगते जाएंगे। यहाँ पर तमाम जो नारे लगे, बीजेपी मुर्दाबाद, रघुवर दास मुर्दाबाद और आरएसएस मुर्दाबाद, तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस की जो है इस तरह की जो लिंचिंग हो रही है उसकी क्या भूमिका है? आरएसएस कूल है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उनकी पुलिस है। आरएसएस इसी बात की ट्रेनिंग देता है बचपन से कि मुसलमान जो है वो देश का दुश्मन है, ईसाई जो है वो इस देश का दुश्मन है। हमें आजादी के वक्त भी आरएसएस, जब लोग हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, वो लोग तभी कह रहे थे कि इस देश का दुश्मन ब्रिटिश नहीं है, मुसलमान है, ईसाई है। तो इसे समझा जा सकता है कि शाखा में 5 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात भरी जाती है कि मुसलमान उसका दुश्मन है, मुसलमान इस देश के अंदर हजारों करोड़ रुपए लाके कन्वर्जन कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है। तो एक पूरा करिकुलम है जो लोगों को दिया जा रहा है। अब तो मैं क्या कहूँ कि आरएसएस स्कूल है, बल्कि उसने देश का जो सरकारी स्कूल है उसको भी अब आरएसएस का स्कूल बनाना शुरू कर दिया है। देश के बड़े बड़े संस्थान से लेकर पत्रकारिता के बड़े बड़े संस्थान भी आज के डेट में आरएसएस का स्कूल बन चुके हैं। तो ये हमें शिक्षण संस्थानों से रोकना पड़ेगा, तब जाके लोग, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का जो पूरा माध्यम है वो सिर्फ कमाने के नजरिए से किया जाता है, जबकि हमें उन्हें मानव बनना सिखाना होगा, उन्हें सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि इस मुल्क में रह रहे लोग, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, उन सबका अधिकार एक है, वो सब एक लोग हैं। हमें किसी से राजनीतिक द्वेष हो सकता है, पर किसी से हम रिलीजन के आधार पर द्वेष पालने, ये बहुत ही खतरनाक है, और ये देश लोकतंत्र से मनुवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो मुझे लगता है कि इस देश को खा जाएगा। जिस तरह से तबरेज हो, पहलू खान हो, तमाम जो ये हत्याएं हुई, मोब लिंचिंग हुई, इनको सिर्फ दलित मुस्लिम इस एंगल से देखना वो कितना जो है नुकसानदायक होगा आम पब्लिक के लिए? देखिए, अगर ये लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ दलित और मुस्लिमों के लिए है तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सुपीरियरिटी का जो पूरा फैक्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो हमेशा से कमजोरों पे पहले अटैक करता है। तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बटी हुई है, ब्राह्मण उच्च है, क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, फिर लोग मुसलमानों को काउंट करते हैं। तो जो दलित भी इस पर शांत है वो समझ लें कि जब मुसलमानों को ये डरा देंगे तब अगला आक्रमण ये दलितों पर करेंगे, और उस पर जो शूद्र या ओबीसी जो चुप है, फिर अगला आक्रमण उन पर होगा, फिर क्षत्रियों पर होगा, फिर ब्राह्मणों के अंदर भी जो सब कास्ट है उसके ऊपर होगा। तो ये सुपीरियरिटी को मेंटेन करने का एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जिसको अगर हमने आज नहीं रोका तो ये हमारे घरों में घुसेगा, और जब ये हमारे घरों में घुसेगा तब हमें उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरीके के लोग आके हमारे लिए नारे लगाएंगे। तो वक्त और आज का मौका भी है, दस्तूर भी है। लोगों से अपील करना चाहूंगा कि देश के अंदर जिस प्रकार की भी नफरत है उसके खिलाफ उन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं तो यानी कि वो अपने घर को बचाते हैं। तो अपने घर को बचाइए, इसके लिए नफरत के खिलाफ खड़े होइए। धन्यवाद प्रशांत हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर आज आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है, अगर आज मेरे घर में मकान में आग लगी है और आज आप चुप हैं तो अगले मकान में, अगले घर में, आपके मकान में आग लगने वाली है। इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।